हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलाम दास रबक देख रहा हूँ। तो आज एक हम नया वीडियो लेकर आ जरूर, जो कि नया बोर्ड फिटिंग करने वाला है इस सीआरटी टीवी पे। ठीक है, तो इसको किस तरह से फिटिंग किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसका किट जो कि बिल्कुल नया है, देख सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर वाला किट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इन करेंगे। इसका खासियत क्या है उस बात नहीं करेंगे इस पर। ठीक है, को फिटिंग करना सिखाते हैं। खासियत जो पहले भी बता चुका हूँ इसी बोर्ड में। ठीक है, तो इसको लगा दिया। इस कैप को लगाना है पिक्सर ट्यूब पे उधर। ठीक है, और यहाँ पर अर्थिंग लगाना है जो कि ये वाला तार है। अर्थिंग आपको यहाँ पर लगा देना है ग्राउंड पे, और योक के जो केबल है इसके अंदर है। ठीक है, तो इसका पैनल आ गया, सॉकेट आ गया अभी क्या। ठीक है, तो इसको लगाते हैं। तो इसका जो पैनल का सॉकेट है यहाँ पर लगेगा एक, और जो इसका रिमोट सेंसर का सॉकेट है यहाँ पर, इसका एक कीपैड का स्विच इधर। ठीक है, स्पीकर का जो सॉकेट है ये वाला है। ठीक है, योक के जो सॉकेट है इधर है। ठीक है, तो ये आपके सॉकेट को इस तरह से लगाना है। इस पर जो ब्लैंक वाला हिस्सा है इसको आगे देना है। ठीक है, इस तरह लग गया। और जो ये वाला है इसमें से आपको हॉरिजॉन्टल साइड को एडजस्ट होता है। अगर छोटा पिक्सर है तो इसको चेंजेस करके देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ज़्यादा आएगा, यहाँ पर ज़्यादा आएगा, इसके नीचे इस तरह से जाएगा। तो हम इसको बीच में देते हैं इसको फिलहाल। अगर छोटा हो जाएगा तो हम इसमें ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर इस देख सकते हैं फायर हो चुका है, क्योंकि ये दूसरा गेट यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर होगा आपका रेड वाला इधर, और ब्लू वाला इस तरफ, और वर्टिकल का इधर सामने, और हॉरिजॉन्टल का पीछे। ठीक है, तो इसको लगा लेते हूँ पहले। हेलो गाइस, तो हमने और एक कनेक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको पहले कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ये हो गया डिकोजिंग कोयल का, ये एक साइड हो गया, और ये यहाँ पर लगाना है पावर केबल जो कि ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, और बाकी दो यहाँ पर स्पीकर मैंने लगवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया पैनल का जो कि मैंने दे दिया। ये वाला हो गया एक्स्ट्रा एबी का सॉकेट। ठीक है, ये भी हो गया, और योक का जैसे देख सकते मैंने किस प्रकार से लगाया हूँ, और यहाँ का कनेक्शन देख सकते हैं योक में ऊपर में किस तरह से लगाया हूँ, रेड ब्लू। इन दोनों का कॉयल जो एक साथ में अटैच होगा हॉरिजॉन्टल साइड, और ये जो वर्टिकल साइड व्हाइट वाला इधर दिया हूँ, ब्लैक वाला यहाँ पर। अगर ये दोनों उल्टा पुल्टा हो जाता है तो आपका क्या होगा, स्क्रीन जो है वो उल्टा पुल्टा आएगा, लेकिन आप इसको सीधा कर सकते हैं। ये दोनों को देने से भी इसका जो अक्षर होगा वो उल्टा पुल्टा आएगा, इस तरफ सीधा नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा होगा। लेकिन आपका अगर इसके जगह इसको दे देते हैं तो आपका ये किट जो है ये खराब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल सेक्शन है हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया। अगर इसका जगह ये ऊपर हो गया तो खराब हो सकता है। तो मेरा इसका भी स्क्रीनशॉट करके देख सकते हो, ले सकते हो। इस प्रकार कप लगाइए, एकदम फाइनली एक ही बार पे आपका हो जाएगा इस पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हो गया, और ये मैंने अर्थ दे दिया हूँ पिक्सर ट्यूब से, जो अर्थ आता है इसको देना अनिवार्य है। अगर इसको नहीं देंगे तो आपका ये पिक्सर ट्यूब से आग निकलेगा, फायर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कनेक्शन। अभी मैं इसमें पावर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पावर दे दिया हूँ, देख सकते हैं आ चुका है। तो अभी सामने में दिखाऊंगा ग्लास को, तो ये देख सकते हैं विप्ट्रॉन आ चुका है। ये इसको घुमा के भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो इसको देख सकते हैं पूरा स्क्रीन फुल्ली आ चुका है। मेनू दबा के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं पूरा परफेक्ट आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर साइड में है तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको पिन को हटा के, ठीक है। तो अगर साइड में थोड़ा सा कमती रह जाता है तो आपको कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा कम है, अगर आपका साइड में थोड़ा सा कम है तो इस कॉइल को आप डायरेक्ट कर दीजिए नीचे से। थोड़ा सा अगर कम है तो इस कॉइल को डायरेक्ट कर दीजिए तो ये फुल हो जाएगा। अगर आपका ज़्यादा कम आए तो आपको इसको चेंज कीजिए, इस पिन को चेंज कर दीजिए यहाँ पर। तो अभी मैं इसको चेंज करने से भी हो जाएगा, लेकिन मेरा इसको चेंज करने से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करूँगा, इस कॉइल को डायरेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस कॉइल को डायरेक्ट करने से भी मेरा ये सही हो जाएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉइल है, थोड़ा सा इसमें कॉइल लगा हुआ है। इसको अगर डायरेक्ट कर दूंगा तो मेरा ये सही हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है गाइस। और एक भी प्रोसेस है, आपका पावर सप्लाई से थोड़ा सा एडजस्ट करके सप्लाई को ज़्यादा कर दीजिए, तब भी आपका ये हो जाएगा। नहीं तो आपका इस पे जो ग्राउंड से एक पीएफ करा सकते हैं, जो ये ट्रांजिस्टर पिन है बीच वाला, ठीक है, इसके इसमें एक 2 KB का 681K का पीएफ एक लगा दीजिए, तो आपका ग्राउंड से इसके बीच में, तब भी आपका ये स्क्रीन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसमें से फार्मूला बहुत ज़्यादा फार्मूला है, अगर आपको इसका स्क्रीन छोटा आता है तो, ठीक है गाइस। तो इसका अगर आप इसमें थोड़ा सा इसको चेक करा सकते हो, जैसे मैं इसको भी चेंज करके ऑफ कर लेता हूँ सेट को, तो मैं इस पर देखे देखता हूँ कितना सा मेरा हाइट ज़्यादा आता है। तो इसमें अभी 2 नंबर में मैं किया हूँ, अभी देखता हूँ कमता है या ज़्यादा कम बड़ा होता है, हाइट देखता हूँ मैं। तो अभी देख सकते हैं इतना मेरा बहुत ज़्यादा कमती हो गया, लेकिन आपको भी इसको चेंज करना पड़ेगा, वापस ऑफ कर लेना है आपको सेट को, रनिंग नहीं करना है। रनिंग करते समय इसको मत लगाइए, आउटपुट उठ जाता है। तो इसको मैं देखे देखा तो आप लोगों को बड़ा हो जाएगा अभी इसके, जितना छोटा सा अभी पूरा बड़ा हो जाएगा। पावर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने पावर दिया हूँ। तो यहाँ पर भी आप लोग रख सकते हो, देख सकते हो अभी पूरा फुल हो गया इसके, ठीक है। तो यहाँ पर रखने से भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अब ऊपर से छोटा हो गया थोड़ा सा, तो ऊपर में आपको सर्विस मोड में एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ही रख के दिखाता हूँ आपको, ये मेनू में दबाता हूँ एक बार। तो अभी एसटी को अगर आपका कलर कुरा इस तरह से आता है तो आपको क्या करना है, इसमें फोकस को एडजस्ट करना है, तभी धुलना वाला जो है ये चला जाएगा। फोकस को एडजस्ट करने से देख सकते हैं क्लियरिटी हो गया। अगर आपका ब्राइटनेस कम है तो इस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाइए स्क्रीन को, ठीक है। स्क्रीन को अगर घुमाते हैं तो अभी ब्लैक स्क्रीन होगा, व्हाइट होगा ज़्यादा, इस प्रकार से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा दिया हूँ, अभी कमा दिया हूँ, ठीक है। तो इसके ज़रिए आपको धुलनापन ये सब सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये हो चुका है टीवी, अभी मैं स्क्रीन इस पर लगा दूंगा तो आपको ये आ जाएगा। स्क्रीन भी मैं लगा के दिखाता हूँ, जाकर मैं सेट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा अभी मैं इन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन है वो आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो इसमें से कुछ स्क्रीन मैं चला लेता हूँ, तो देख सकते हैं स्क्रीन भी आ चुके हैं। कर लेता हूँ कम, अगर आपको इसको सर्विस मोड में एडजस्ट करना है तो आपको सर्विस मोड में किस तरह से जाएंगे, तो इस रिमोट को मैं दिखा देता हूँ। ये जो रिमोट है, सर्विस मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पर एक होल दिया गया है, इस पर अगर पुश करेंगे तो आपका फैक्ट्री मोड आ जाएगा। जैसे मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो इसमें बड़ा वाला बैटरी लगेगा, मैं खोल लेता हूँ।
इस रिमोट से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने को पुश करता हूँ कुछ लेके, इसे छोटा सा कुछ लेना है आपको, इस रिमोट पे सेंसर में पुश करना है। तो पुश करते ही हमारे यहाँ पर फिट रिमोट आ जाता है। तो इसमें डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को दबाना है। ठीक है, डिस्प्ले को हम दबाएंगे तो यहाँ पर इस फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो हमारा हाइट को थोड़ा सा करना है बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इस पे वन दबाएंगे। तो वन दबाने से हम अगर एफ वन आएगा फैक्ट्री में, ठीक है, तो इसमें से साइज बी साइज को हम एडजस्ट करेंगे नीचे। ये 12 है, 12 से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देख सकते हैं। नीचे से भी ऊपर से भी हमारा जो थोड़ा थोड़ा कमती था वो हो चुका है। तो हम इसको मेनू 3 दबाते हैं तो इसमें देख सकते हैं लोगो आ सकता है। यहाँ पर नीचे का जो लोगो है इसको हम ऑफ कर देंगे, ये 3 है लोगो, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो दोनों नंबर को लोगों को ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमको लोगो नहीं चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए हम लोगो ऑफ कर दिया हूँ। तो अभी हमको कलर एडजस्ट करना है, तो हम वापस इसमें डिस्प्ले दबा के हटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो डिस्प्ले दबाने से हमारे ये वापस चला जाएगा। तो हम अब इसको कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कलर को एडजस्ट करने के लिए हम इसको पहले जो है पूरा कलर को 0 करेंगे, मतलब ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, कलर को बिल्कुल भी हटा देंगे और ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अभी हमको देखना है पूरा क्लियरिटी ब्लैक एंड वाइट हुआ है कि नहीं। अगर ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ तो आपका कलर पूरा क्लियरिटी नहीं आएगा। तो अभी देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट जैसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत ग्रीन ग्रीन टाइप से आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें वापस सर्विस मोड में जाएंगे। इसमें होल्ड को दबा के सर्विस मोड में मैं आ चुका हूँ, तो डिस्प्ले दबाएंगे। तो यहाँ पर ही आपका जो BW बैलेंस लिखा हुआ है इस पर आपको आ जाना है। इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, जो ब्लू कलर है ग्रीन कलर को थोड़ा सा कम कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ब्लू कलर को ज़्यादा कर देंगे हम। तो हम ब्लू कलर को थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ, रेड कलर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और यहाँ पर नीचे भी है, यहाँ पर देख सकते हैं GD लिखा हुआ है, तो इस पर भी हम ग्रीन कलर को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, गिरा देता हूँ। और आपको नीचे जो ब्लू कलर है इसको थोड़ा सा लाइट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर लाइट कमती आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको देखना है, आपका अगर लाइट कमती आ रहा है तो कॉन्ट्रास्ट, ये देख सकते हैं साफ कॉन्ट्रास्ट 14 दिया हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, 15 तक कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, तो आपको इसके ज़रिए से देख सकते हैं अभी हल्का कम गया, अब ये 15 आ चुके हैं। तो आपको अगर ज़्यादा आँखों में लग रहा है, झिलमिल झिलमिल ज़्यादा करता है, तो यह सब एडजस्ट करके थोड़ा सा कमा सकते हो उसमें, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं लगा आँखों में। तो हम इसको 15 तक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो हो चुका है ब्लैक एंड वाइट थोड़ा, तो अभी हम कलर देकर देंगे डिस्प्ले। हम ये फैक्ट्री मोड से हट जाएंगे डिस्प्ले दबा के। तो अभी हम इसमें कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ से हम इसको बढ़ा देंगे मेनू फंक्शन में, और ब्राइटनेस जो है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, बढ़ा लेते हैं पहले, ठीक है, बाद में कम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कलर है इसको अभी दे देते हैं हम, तो गैस अभी जो इसका कलर है ये क्वालिटी अभी अच्छा हो गया, क्योंकि मेरा आप लोग इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है मैं आपको बताऊं, मेरा क्वालिटी क्या से आ रहा है। मेरा जो है ये आप देख सकते हैं सामने पूरा रोशनी आ रहा है, तो रोशनी की वजह से हमारा जो ये इसमें जो ग्लास है इसमें पूरा मतलब रोशनी गिर रहा है, तो इसीलिए वजह से हमको थोड़ा सा मतलब धुंधला लग रहा है, लेकिन ये क्लियरिटी हो चुका है गैस। तो अभी इसमें बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इस पर ऑफ कर देंगे। ठीक है, हमारा सेट हो गया है। ठीक है, तो और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। अगर मेरा नंबर चाहिए तो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, मैं आप सेंड कर दूंगा नंबर। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।